नाखून पे लगाना है, ठीक है, नाखून पे लगाना है। जो 2014 का चुनाव है उसके बाद ये सरकार में आ गए और ये गाय की पूंछ पकड़ करके यहां भी ये चुनाव की बेतरणी पार करना चाहते थे, तो उस पर तो हम बोले नहीं, ना नहीं सुने। आज फिर किसी बच्चे को गले लगते हुए बोले, वो गाय की पूंछ पकड़े हुए आज तक, वो गाय काम नहीं आएगी उनके। गाय की पूंछ पकड़ करके ये चुनाव की बेतरणी पार करने की जगह बुरी तरह आएगी। आज आप देखिए, यानी अरुण जेटली कहते हैं कि सहिष्णुता है यहाँ। अरे भाई, ये कैसी सहिष्णुता है? यानी शाहरुख खान को आप पाकिस्तानी घोषित दे रहे हो, यानी आपका जनरल सेक्रेटरी है, आप कहते हो उसकी बात जो है वो पार्टी का व्यू नहीं है। हर बार इसी तरह करते हो, बड़ा बयान दे करके कहते पार्टी का ही बयान नहीं। अब ये आदित्य योगी बोल रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद और इसमें कोई फर्क ही नहीं है, वो इनके MP है, उनने वोट ली हुई है। यानी कितनी अन्यायपूर्ण बात है कि हाफिज सईद से ये कलाकार की तुलना कर रहे हैं, चिचली के रोज सही। तो ये रोज हिंदुस्तान के किस इतिहास में किसी देश में भी जो साहित्यकार होते हैं, जो अगुआ समाज के होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, लेखक होते हैं, वो हमेशा किसी तरह का भी समाज में बदलाव होता है उस पर खड़े होते हैं। उस पर हमको नाराज होने की जगह आपार ही खोलना चाहिए, जो दीवार पर लिखा हुआ उसको पढ़ना चाहिए और अपने को उसके अनुसार दुरुस्त करना चाहिए।